एक तो कांग्रेस का राजनीतिक रूप से मानसिक दिवालियापन निकल गया है। कांग्रेस पूरी खोखली हो गई है। कांग्रेस को ना तो देश के अंदर आने वाला संकट दिखता, कांग्रेस को कोरोना का संकट नहीं दिख रहा। पूरे देश अस्त व्यस्त है और पूरे नागरिक जो है कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, उसे राजनीति सूझ रही है। भारत और चीन के संबंध कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है, उस पर वो राजनीति कर रही है। क्या ऐसी कमजोर कांग्रेस कभी देखी है? कौन कह देगा कि ये वो कांग्रेस है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे? ये तो ऐसी कांग्रेस लग रही है जैसे चाइना और इटली की पैदाइश कांग्रेस हो, जिसमें हिंदुस्तानी खून ही नहीं है। इस समय हिंदुस्तान के आदमी की जरूरतों के साथ हिंदुस्तान की सेवा करना ये ज्यादा जरूरी है। हमें और आपको राजनीतिक मुद्दे इशू बनाने की जरूरत नहीं है। इस समय जरूरत है कि भारत की सीमा पर जो सेना खड़ी है वो सेना के हौसले हों, देश एक साथ खड़ा हो, हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दें, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करें, हम कोरोना के संकट से लड़ाई लड़के कोरोना से भारत के नागरिकों को विजय दिलाएं, फिर हम लड़ते रहेंगे। डीजल पेट्रोल क्या भारत में पैदा हो रहा है? डीजल, अरे अकल के मूर्ख कांग्रेस ही, डीजल पेट्रोल भारत में पैदा हो रहा है? डीजल पेट्रोल जब तुम्हारे राज में 5-5, 10-10 रुपए पेट्रोल बढ़ा तब कहां से आता था? तब तो अंतर्राष्ट्रीय भाव दिखता था, तो आज कौन सा हो गया? और आपने तो मध्य प्रदेश में 3-4 रुपए भेंट तक बढ़ा दिया था, तब कहां गई थी कांग्रेस? इसलिए 100-100 चूहे खाकर हज को जाने का तरीका मत अपनाओ, देश की और प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों से लड़ो। राजनीतिक ड्रामेबाजी करने की बजाय जनता की सेवा की जरूरत है। सोनिया गांधी जी से कहो कि उस मजदूर का बिल दो जिसको आपने कहा था कि हम बस और ट्रेनों का खर्चा देंगे, हम मजदूर को घर पहुंचाने की उसके बस और ट्रेनों का किराया देंगे, उसका दो। देना है तो गरीब के इलाज के पैसे अगर मदद कर सकते हो तो वो करो। इस समय राजनीतिक ढोंग रचने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेवा करने की जरूरत है और सेना के साथ खड़े रहना। अपने मूर्ख बालक को भी समझाओ और उससे कहो कि देश की सेना को कमजोर मत करो, देश की सेना को हौसले अफजाई करो। अरे जब हम पर हाथ अदगोले नहीं हुआ करते थे तब भी भारत के सैन्य सीने लड़ा लड़ा कर देश को विजय दिलाते थे, और विजय हुई सेना को कमजोर मत आंको, और उस सेना को कमजोर बताने की कोशिश मत करो। राहुल गांधी थोड़ी समझ जाओ, कम से कम और किसी से नहीं तो अपनी दादी इंदिरा गांधी से तो सीख लिया होता। इंदिरा गांधी का हौसला भी अगर इन कांग्रेसियों में होता और उतनी थोड़ी सी देशभक्ति भी होती तो शायद आज की परिस्थिति में ये किसी बात को लेकर प्रदर्शन नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरकार और भारत की सेना के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी होती।